गुरुग्राम के रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में एक दिल दहला देने वाले हादसे ने एक पूरा परिवार उजाड़ कर रख दिया है, क्योंकि एक महज 7 साल के बच्चे के साथ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, उसके घर का जो माहौल है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। माँ के आंसू नहीं थम रहे हैं, बच्चा स्कूल गया था इस उम्मीद से वो बैठी थी कि बच्चा घर आएगा, घर आकर खाना खाएगा, लेकिन माँ की आंखें नम हैं। आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या है, कुछ बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई आपको नहीं पता चलेगी जब तक हम इनसे बात नहीं करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। ज्योति जी, आप प्लीज़ हिम्मत कीजिए थोड़ी सी और हमें ये बताने की कोशिश कीजिए कि क्या जो बात हो रही है लगातार कि कंडक्टर ने ये सब किया है, हमने जब आपसे बात की आपको लग रहा है कि ये कोई साजिश का हिस्सा है, कंडक्टर से या स्कूल बस से प्रद्युमन का कोई लेना देना नहीं था, आखिरकार बच्चा स्कूल कैसे जाता था? मैं मेरे बच्चे को मैं खुद छोड़ के आती थी और खुद लाने जाती थी। इसके पापा छोड़ते थे और मैं खुद लाने जाती थी कि मेरा बच्चा जल्दी घर आ जाए। वो कभी भी स्कूल बस से नहीं गया था, कभी भी स्कूल बस से वो कभी स्कूल नहीं जाता था। हम लोग खुद उसको छोड़ने जाते थे, खुद लेके आते थे अपने बच्चे को। जिस दिन ये कल ही की बात है, बच्चे को कौन छोड़ने गया था और आपको कब खबर मिली कि ऐसा कुछ हुआ है? मेरे हस्बैंड गए थे 7:55 में, ये लोग घर से निकले, घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, 8 o'clock पे छोड़ के वो 8:05 में घर आ गए। जैसे वो घर पे आए, चाबी उन्होंने फ्रिज पे रखी, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया रिसेप्शन से कि अंजू मैम से आप इमिडिएटली बात कर लीजिए। मुझे लगा शायद आज लेट हो गया होगा, बेटी का पेपर था इसलिए शायद इसलिए फ़ोन किया होगा उन्होंने कि बच्चे को लेट करके ना भेजें। मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ क्या लेट हो गया था, बच्चे नहीं जा रहे थे स्कूल? उन्होंने बोला नहीं लेट नहीं हुआ गया। जैसे इन्होंने फ़ोन उठाया, फ़ोन किया मैं अपने फ़ोन से, तो मैम ने बोला कि आपका बेटा गिर गया है बाथरूम में और उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, हम आर्टिमिस्ट लेके जा रहे हैं, आप पीछे से आइए। हम जब तक गए तब तक मेरा बाबू चला गया था, हम चले गए थे, मेरा बाबू जब से चला गया था। स्कूल प्रशासन ये कह रहा है लगातार कि कंडक्टर से बात की गई, पुलिस ने कंडक्टर को पकड़ लिया, कंडक्टर कह रहा है मैंने गुनाह कबूल कर लिया। अभी तक हालांकि कोर्ट में पेशी नहीं हुई है, वो कह रहा है कि मैंने मारा है और जो गुनाह की सजा है वो भुगतने को तैयार हूँ। आप क्या मान रहे हैं? आप सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल को मारिए, बीच चौड़ाहे पे लाके उसको मारिए, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, वो लेडीज बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, वो सिर्फ झूठ बोल रही है। मैं चाहती हूँ प्लीज सब लोग उसको चौराहे पे लाके उसको मारिए, बहुत मारिए उसको, बहुत गंदी लेडीज है, बहुत गंदी, वो अपने बात को छुपा रही है। मेरा बेटा जब बस में नहीं जाता था या तो ये है ABP News, आपको रखे आगे।